आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है लॉ एंड ऑर्डर हमारे ले चेयरमैन, ये जो डिस्कशन शुरू हुआ है लीडर ऑपोजिशन हमसे कुमार त्रिपुरा स्टार्टेड बाय डेमोक्रेसी, इंडिया इज सपोज टू बी अ डेमोक्रेसी, और अगर डेमोक्रेसी में हम लोग इलेक्शन नहीं होल्ड करेंगे क्योंकि मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन ने बोला है कि शांति नहीं, आपने खुमरू के बारे बात किया, कुंभ के बारे बात किया, मुझे आपने अभी बात की और मुझे आई जस्ट फेल्ट दैट यही लैंग्वेज जो आपने आज इस्तेमाल किया है, आज से एक साल पहले उसी व्यक्ति ने किया जिसने मेरे ऊपर कल जो भी बोला है। आई कैन सी द कोरिलेशन, आई कैन सी द कोरिलेशन। शांति कौन मांग कर रहा है? शांति को रखने के लिए ये किसका दायित्व है? इज इट द जॉब ऑफ द एबीसी? देन प्लीज पास द पुलिस बिल। लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। व्हेन पीपल आर अलाउड टू ट्रेवल 150 किलोमीटर्स एंड कम टू खुमुलो टू क्रिएट प्रॉब्लम, then it is the answer of the state government. हम लोग we are not discussing law and order here. The प्रस्ताव which has been moved by honorable MDC Ravindra Dev Barma is about village council election. Bimal Kapi Chakma has said very rightly, आज non elected body is running the village council. रीजन क्या था डिफर के लिए? लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, कोरोना था। आज अगर इंडिया का सबसे पॉपुलेटेड स्टेट में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाला है तो त्रिपुरा के 587 गांव में इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता है? दिस इज अ वेरी लेजिमेट क्वेश्चन। ये विलेज काउंसिल इलेक्शन सिर्फ दंगा के लिए नहीं है, ये कल्चर था, ये कल्चर था, मैं खत्म करना चाहता हूं। इसके लिए कल जो हुआ मैंने किया। आई वॉन्ट टू एंड द कल्चर ऑफ वायलेंस। थानसा हैपेंस व्हेन लीडरशिप हैज अ फिगर हार्ट। कैन आई प्रपोज समथिंग? माई लीडर द ऑपोजिशन इज अ ही मे बी इन द नेशनल पार्टी पर आपके दिल में आंचलिक का है, मैं देख सकता हूं। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में जब इलेक्शन होता है ना विलेज काउंसिल में, सिंबल के बिना होता है, उसको बोलता है थानसा। जब पार्टी नहीं फाइट करता है, सिंबल का बिना फाइट होता है। कंसीडर कीजिए, लेट अस हैव, हमको नीति आयोग का फाइनेंस चाहिए, 50th फाइनेंस कमीशन का पैसा चाहिए। गांव में आज जो प्रॉब्लम है वो है क्योंकि गांव में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, रंग नहीं जा रहा है, पैसा के पास ही ये पावर नहीं है। आज मेनिनजाइटिस का प्रॉब्लम है, कहीं में पानी का प्रॉब्लम है, कहीं में आपका पंप का प्रॉब्लम है, रेगा का प्रॉब्लम है, और पैसा आने वाले दो महीने के बाद नहीं आएगा अगर हमने इलेक्शन नहीं किया। अगर इलेक्शन फाइट करने से किसी को आपत्ति है, अगर कोई एनीवन इज स्केयर्ड ऑफ फाइटिंग इन इलेक्शन, हैव अ इलेक्शन विदाउट एनी सिंबल, जैसे राजस्थान में है, आई एम रेडी। इसमें किसी का नाक भी नहीं कटेगा, लेकिन
जैसे हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने वेरी राइटली ही से, आवर जॉब हियर इज टू इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ द बुकुम्बारा कम्युनिटी, द तिप्रासा कम्युनिटी, एंड वी शुड डू एवरीथिंग. देयर इज नो नीड टू हैव, हम लोग जब यहां आते हैं हम लोग को अपना पार्टी का वो नहीं रखना चाहिए, हम लोग को अपना कम्युनिटी का वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए. आई वॉन्ट ये इलेक्शन हो, आई वॉन्ट इट विद द कोऑपरेशन ऑफ द ऑपोजिशन. आई ऑल्सो वॉन्ट ये जो हाउस है, अगर ये अगरतला को एक मैसेज भेज सकता है कि बुकुम्बारा एरिया में हम लोग इलेक्शन फाइट करेंगे और उसमें सिंबल नहीं होगा, हम लोग सिर्फ डेवलपमेंट के लिए फाइट करेंगे, जैसे महाराष्ट्र में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, त्रिपुरा में भी करूं, जिस दिन आप लोग पार्टी का सिंबल लाके इलेक्शन में फाइट करते हो, आज चांस है. आज हम लोग की सबके पास, वी हैव अ चांस ऑफ सेंडिंग अ यूनिफॉर्म मैसेज टू अगरतला इलेक्शन कमीशन दैट इस बार हम लोग इलेक्शन अलग तरीके से. लेकिन आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प. एंड जो हमारे दो नॉमिनेटेड गवर्नर से आए हैं, आई नीड योर हेल्प. आज मौका है कि कुछ अलग सोच के ऐसा कुछ करें जहां में हम लोग का बुकुम्बारा कम्युनिटी को डेवलपमेंट मिले. आई अर्ज द ऑनरेबल चेयर थ्रू यू, आई अर्ज फॉर अ अर्ली इलेक्शन. इलेक्शन होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए. और अगर हमने अपने स्वार्थ के बारे नहीं सोचा, अपने पर्सनल पार्टी के बारे नहीं सोचा, ऑनेस्ट सबमिशन, एंड आई वुड होप दैट आप लोग कंसिडर दिस proposal. Thank you.